Hello students, I hope you all are doing very well at home. So we will start the today explanation video of chapter 14, natural resources. As you can watch on your screens, we have first topic flow chart. तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, हमारा फर्स्ट हेडिंग क्या है, बायोस्फेयर, विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइव पार्ट्स. ठीक है, फर्स्ट इज लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट. ठीक है, ये सब नाम आपने पहले भी लोअर क्लासेस में सुने होंगे. ठीक है, लेकिन हम इन सबको अलग से डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एटमॉस्फेयर का रोल बताया गया है, यानी कि एटमॉस्फेयर का क्या रोल है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर या और सारे कंपोनेंट्स को लेकर. तो सबसे पहले इसमें लिखा है क्लाइमेट कंट्रोल. ठीक है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करता है एटमॉस्फेयर. विंड्स यानी कि हवाओं को, ब्रीज को लेकर के क्या रोल है. एंड नेक्स्ट इज रेन यानी कि बारिश, यानी कि कौन से मौसम में बारिश होनी है. ठीक है, कब होनी है, इसमें क्या रोल है. ठीक है, नेक्स्ट इज अबायोटिक कंपोनेंट विच इज़ डिवाइडेड इन फाइव पार्ट्स ऑल्सो. ठीक है, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर एंड लाइट. ठीक है, दिस वेरी नॉर्मल एंड कॉम्पोनेंट्स यू हैव स्टडीड इन लोअर क्लासेज. जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, एयर के नीचे बहुत सारी गैसेज लिखी हैं एंड देयर कॉम्पोजिशन. ठीक है, दैट मीन्स द एयर इज फॉर्म्ड ऑफ या कॉम्पोनेंट ये लिखे हुए हैं. ठीक है, जिससे सारी मिलकर के क्या है, हमारी एयर बनी हुई है, सबकी कॉम्पोजिशन लिखी हुई है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. ठीक है, ये सब हमने लोअर क्लासेज में पढ़ी हैं, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द ऑक्सीजन साइकिल. लेकिन हम इसको सेपरेटली टॉपिक्स में पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल, जिसको फोर मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन. ठीक है, लेकिन हम इसको क्या है, सेपरेटली डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, बायोस्फीयर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री फिजिकल डिविजन्स, लैंड और लिथोस्फीयर, वाटर और हाइड्रोस्फीयर एंड एयर और एटमॉस्फेयर. ठीक है, जो बायोस्फीयर है, बायो का मतलब क्या है, हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं. ठीक है, वो कैसे डिवाइडेड है. ठीक है, वो सब अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड होती हैं. ठीक है, जैसे कि हमारा लैंड है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर. जो वाटर कंपोनेंट्स है उसको हम कहेंगे हाइड्रोस्फीयर, और जो एयर से रिलेटेड है वो क्या हो गया, हमारा एटमॉस्फेयर. और ये सारे स्फीयर्स क्या हैं, ये भी अलग अलग कंपोजिशन में बटे हुए हैं. ठीक है, लिथोस्फीयर इज़ द आउटर सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ विच वी कैन कॉल लैंड. ठीक है, जो लिथोस्फीयर है वो क्या है, वो सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ है, यानी कि जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिसके ऊपर हम रोज़ रहते हैं, यहाँ पर हमारे घर बने हुए हैं, फॉरेस्ट है. ठीक है, ये सब क्या है, जो लैंड है क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाता है. सेकंड पॉइंट इज़ हाइड्रोस्फीयर इज़ द वाटर कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ. ठीक है, हमारी अर्थ पर जितना भी पानी है या जितना भी पानी के कॉम्पोनेंट्स है, वो किस में आ जाते हैं, हाइड्रोस्फीयर में. ठीक है, 75% ऑफ द अर्थ सर्फेस कवर्ड विद वाटर इन द फॉर्म ऑफ सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, डैम्स एंड एक्सेट्रा. ठीक है, ये बात हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि 75% ऑफ अर्थ सर्फेस किससे घिरा हुआ है, वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है. और वाटर बॉडीज कुछ भी हो सकती हैं. ठीक है, महासागर हो सकते हैं, सागर हो सकते हैं, नदियाँ, झीलें, तालाब, ठीक है, बांध, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, हमारी वाटर बॉडीज़ में. और ये सब मिलके क्या कंबाइन करती हैं, हाइड्रोस्फीयर को. ठीक है, नेक्स्ट इज एटमोसफेयर इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट कवर्स द होल अर्थ. और जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, एक पतली सी हवा की चादर है जो हमारी पूरी अर्थ को घेरे हुए है. ठीक है, इस एटमॉस्फेयर के भी बहुत सारी लेयर्स होते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे. बायोस्फेयर हैज़ टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोस्फेयर में दो तरीके के कॉम्पोनेंट होते हैं, कौन कौन से, बायोटिक एंड एबायोटिक. लिविंग बींग्स कॉन्स्टिट्यूट द बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ द बायोस्फेयर. जितने भी लिविंग बींग्स यानी कि जीवित प्राणी हैं, वो किस में आ जाते हैं, बायोटिक कॉम्पोनेंट में आ जाते हैं. एयर, वाटर एंड सॉइल फॉर्म द नॉन लिविंग और एबायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ द बायोस्फेयर. यानी कि इन सिंपल वर्ड, जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो सब किस में आ जाती है, एबायोटिक कॉम्पोनेंट में आ जाती है. ठीक है, और ये दोनों ही कॉम्पोनेंट मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फेयर को बनाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स. ठीक है, प्राकृतिक स्रोत हमारे पास क्या क्या होते हैं. ठीक है, तो जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है, ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल. एंड द एग्जॉस्टिबल पार्ट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इन रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है. देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ
नेचर विच आर यूज बाय ह्यूमन टू मीट द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है, वो जीवित भी हो सकते हैं और जीवित नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये कहाँ से मिलते हैं हमें, प्रकृति से मिलते हैं, जो किसके द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं, ह्यूमन्स यानी कि मनुष्य के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू मेन टाइप्स, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। ठीक है, ये भी दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी होती है। तो दे आर नेचुरल रिसोर्सेज विच अकर इन सच अबंडेंस दैट दे आर नॉट लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड डिस्पाइट कंटिन्यूस यूज़। ठीक है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी होती है, वे प्राकृतिक स्रोत जो कि क्या है, वो इतनी प्रचुर मात्रा में, अबंडेंस का मतलब क्या है कि वो इतनी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है कि चाहे हम उनको कितना भी यूज़ करें, ठीक है, लेकिन वो जल्दी से ख़त्म नहीं होने वाली। ठीक है, जैसे कि एयर, वाटर, सोलर एनर्जी, ये सब क्या है, इनएग्जॉस्टिबल है, हम इनको कितना भी यूज़ कर सकते हैं पर ये क्या नहीं होंगी, नष्ट नहीं होगी। जैसा आपने देखो आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे वाटर एग्जांपल में क्यों लिखा है, हम तो बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं एडवर्टीजमेंट में भी और टीवी में भी कि अगर आप वाटर को ज़्यादा यूज़ करोगे तो ख़त्म हो जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको ना थोड़ा उलझा करके बताया जाता है, जो वाटर है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वो हमेशा धरती पर रहेगा, लेकिन उनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप वाटर को ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली यूज़ करेंगे, गलत काम में यूज़ करेंगे, उसको पोल्यूट कर देंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वाटर इतना ज़्यादा गंदा हो जाएगा कि हमें इसको साफ़ करना पड़ेगा, और जो साफ़ करने की प्रोसेस होती है वो बहुत ही कॉस्टली होती है। तो उससे बचने के लिए हमको समझाया जाता है कि हमको प्रॉपरली और लिमिट में वाटर को यूज़ करना चाहिए ताकि हम इस खतरनाक स्टेज से बच सकें। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये उसका अपोजिट है। दे आर नेचुरल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। ये वो प्राकृतिक स्रोत है जो क्या है, हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, यानी कि इनकी एक लिमिट है, ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर ऑफ टू काइंड, ये भी दो काइंड के हैं, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। तो हम पहले देखते हैं कि रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती हैं। दे आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज विच गेट रिप्लेनिश्ड रेगुलरली, दिस इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज विच कैन रिप्लेनिश देमसेल्फ बाय क्विक रिसाइकलिंग। ठीक है, रेन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है ये ऐसी एग्जॉस्टिबल चीज़ें हैं जिनको क्या कर सकते हैं, अपने आप रिप्लेनिश कर सकते हैं, यानी कि इसमें जीवित और जो निर्जीव हैं दोनों ही चीज़ें आती हैं जो अपने आप को दोबारा से प्रकृति की सहायता से रिसाइकल कर सकती है। जैसे कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सॉइल, ये क्या है, जैसे कि सॉइल है, ठीक है, अगर सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, तो जो मिट्टी है वो वहाँ से हट जाएगी, लेकिन अगर प्रकृति की ही मदद से दोबारा वहाँ पर मिट्टी उड़कर आ जाती है, या चट्टानों के पीसने और घिसने से दोबारा वहाँ पर क्या बन सकती है, मिट्टी बन सकती है। तो रेन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज है जो लिमिटेड हैं लेकिन प्रकृति की सहायता से उनको वापस लाया जा सकता है। ठीक है, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, दे आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज विच वन यूज कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। ये ऐसी रिसोर्सेज है कि जिसको हमने अगर एक बार यूज़ कर लिया तो इनको वापस लाया नहीं जा सकता। ठीक है, दस दीज रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग एंड कैन नॉट रिप्लेनिश देमसेल्व्स बाय रिसाइकलिंग एंड रिप्लेसमेंट। इसीलिए ये ऐसी रिसोर्सेज हैं जो कि क्या है, निर्जीव हैं, यानी कि नॉन लिविंग हैं, और उनको हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं, ना तो रिसाइकिल करके और ना ही रिप्लेस करके, यानी कि ना तो हम इनकी जगह किसी और चीज़ को यूज़ कर सकते हैं और ना ही इसको रिसाइकल करके वापस ला सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोल। ठीक है, अगर कोयला, पेट्रोलियम अगर एक बार पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा तो इनको वापस लाया नहीं जा सकता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमने क्या है, दोनों को पढ़ लिया है, इसका थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, जो चीज़ हमने टॉपिक में पढ़ ली है उसको हमें क्या है, शॉर्ट में लिखना है। जैसे कि देखो, फर्स्ट पॉइंट है रेन्यूएबल रिसोर्सेज में, ये क्या है, रिप्लेनिश की जा सकती है रीजनेबल टाइम। देखो क्या लिखा है, रीजनेबल टाइम, यानी कि रीजनेबल का मतलब क्या होता है कि उसके लिए भी हमारे पास एक समय दिया गया है। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि इस डेट के अंदर अंदर ये काम करना है, तो इसका भी एक रीजनेबल टाइम है कि अगर उस टाइम से पहले पहले हम इसको रिप्लेनिश कर दें तो ये हमें वापस मिल सकती है, वरना ये भी वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, और जो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये क्या है, इनको रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है रेन्यूएबल में, इन रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, फॉरएवर प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में, यानी कि हम उसको हमेशा यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो लिमिटेड अमाउंट होना चाहिए। लेकिन देखो दूसरी साइड में नॉन रेन्यूएबल में क्या लिखा है कि ये क्या है, अल्टीमेट लेसन एंड गेट एग्जॉस्टेड, यानी कि अगर इनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से ख़त्म
हो जाएगी। ठीक है, रेन्यूएबल वाली साइड में थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, दे आर बोथ अवायटिक एंड वायटिक, यानी कि ये जीवित और निर्जीव दोनों हो सकती हैं, लेकिन नॉन रेन्यूएबल सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, एबायोटिक होती है, यानी कि निर्जीव होती है। ठीक है, आई होप ये वाला टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंपोनेंट आ गया है एयर। ठीक है, जैसे कि हमने भी एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमने पढ़े थे, पांच पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर एंड लाइट। तो उसका सबसे पहला कंपोनेंट जो है एयर, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसको हम पढ़ेंगे। तो देखो इसमें क्या लिखा है, द मल्टी लेयर्ड गैसेस एनवलप सराउंडिंग द प्लैनेट अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमारी एटमॉस्फेयर की वो पतली सी चादर जिसमें क्या है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, उसको हम क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इंटू फाइव डिस्टिंक्ट लेयर्स। ठीक है, इसको भी पांच डिस्टिंक्ट परत में, ठीक है, लेयर्स में बांटा गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोन्स भी बोल सकते हैं। वे कौन कौन से हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज सच इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको पहले से पता होगी, हमने लोअर क्लासेज में पढ़ा है कि एयर कौन कौन सी गैसेज का मिक्सचर होता है। ठीक है, एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर एंड सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, यू ऑल्सो नो दिस कि जो एयर है उसके अंदर क्या होता है, वाटर वेपर्स भी होती हैं और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग बींग्स फॉर रेस्पिरेशन एंड फॉर बर्निंग ए मटेरियल। दिस इज़ अ कॉमन टॉपिक, एवरीवन शुड नो दैट ह्यूमन बींग्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर लिविंग। ठीक है, एंड बर्निंग जो है, कॉम्बिशन की जो प्रोसेस है, वो विदाउट ऑक्सीजन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती है। ठीक है, एयर कंटेन्स अबाउट 20% ऑक्सीजन एंड इट्स परसेंटेज इन एयर इज बैलेंस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दिस थिंग इज रियली अनएक्सपेक्टेडली कि एयर जो है उसमें क्या होता है, 20% ऑक्सीजन होती है। ठीक है, और जो उसकी परसेंटेज है, यानी कि उसको 20% ही हमेशा बनाए रखना, ठीक है, इसको बैलेंस कौन करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। एंड आई होप यू नो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग बाय प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आई थिंक यू रिकॉल द टॉपिक। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो फर्स्ट रोल क्या है इसका, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। ठीक है, हमने तीन पढ़े थे, क्लाइमेट कंट्रोल, विंड एंड रेन। ठीक है, उसका सबसे पहला पॉइंट जो क्लाइमेट कंट्रोल था, कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, एयर इज़ एन इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो एयर है वो क्या है, इनएग्जॉस्टिबल है, यानी कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक जो एयर है वो इनएग्जॉस्टिबल है, उसको रिप्लेनिश किया जा सकता है, वो ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, इन ए वर्ड विदाउट एयर देर वुड बी नो प्लांट्स और एनिमल्स लाइफ, नो विंड्स, क्लाउड्स और रेन, नो फर्स। ठीक है, नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल सोलर रेडिएशंस। ठीक है, आप हम अपनी लाइफ में या हम इस दुनिया में क्या है, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते हैं अगर हमारे पास क्या ना हो, एयर ना हो। ठीक है, कोई भी प्रोसेस विदाउट एयर कम्प्लीट नहीं हो सकती है। ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू एवरी थिंग, दिस इज़ बिकॉज द एटमोसफेयर कवर्स द अर्थ लाइक ए ब्लैंकेट, एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्योंकि जो अर्थ है, ठीक है, उसके चारों तरफ ब्लैंकेट किस चीज़ का है, एयर का है। ठीक है, तो इसलिए क्या नहीं हो सकता, एयर के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, एयर क्या है, बैड कंडक्टर है, किसका, हीट का। ठीक है, दिस इज वी नो अर्लियर। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, द मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है, हम चलती हवा को क्या बोलते हैं, ब्रीज या विंड बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, ए कूल इवनिंग ब्रीज आफ्टर अ हॉट डे और रेन आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ हॉट वेदर ब्रिंगस कंसिडरेबल रिलीफ। ठीक है, कि अगर बहुत ज़्यादा गर्म दिन है या बहुत सारे दिन गर्म थे और उसके बाद बारिश होती है और उसके बाद ठंडी हवा चलती है, तो उसकी वजह से हमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है। ठीक है, ये सब आपने प्रैक्टिकली क्या किया है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब बहुत गर्म दिन होता है और फिर उसके बाद ठंडी हवा चलती है बारिश की वजह से, तो कितना रिलीफ मिलता है, एटमॉस्फेयर क्या है, हमारे चारों तरफ अपने आप ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, उसको समझने के लिए हम टॉपिक पढ़ेंगे विंड बेल्ट्स। ठीक है, विंड बेल्ट्स क्या होती है, तो एट ए मच लार्ज स्केल टेम्परेचर डिफरेंसेज अक्रॉस द अर्थ जनरेट द डेवलपमेंट ऑफ द मेजर विंड बेल्ट्स। ठीक है, लार्ज स्केल मतलब बड़े पैमाने पर। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स हैं, बहुत बड़े हैं, तो जब आप बहुत डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, तो कंसिडरेबल डिस्टेंस के बाद क्या है, हमारी क्लाइमेट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी कि हवाएं, सपोज कीजिए हमारा इलाका कुछ और है, यहाँ पे क्लाइमेट कुछ और है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वो हमारे से बहुत दूर है, वहाँ का क्लाइमेट कुछ और है क्योंकि वहाँ पर हवा पतली है। तो दोनों जगह के क्लाइमेट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा
डिफरेंस होता है ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ एयर। तो ये क्या बनाते हैं, हमारे मेजर विंड बेल्ट्स बनाते हैं, यानी कि दूसरे लोगों को वहाँ पर सफ़र करने में शायद कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, बिकॉज वी आर नॉट यूज टू दैट टाइप ऑफ क्लाइमेट विद दैट टाइप ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, तो आप ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मूवमेंट्स ऑफ एयर। अब कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो मूवमेंट ऑफ एयर है वो फैक्टराइज होती है या अफेक्टेड होती है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले इसमें लिखा है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ। ठीक है, अनइवन हीटिंग का मतलब क्या होता है, अनइवन हीटिंग का मतलब ये है कि हर जगह इलाका अलग है और उसमें क्या है, जो अर्थ की हीटिंग है यानी कि गर्माहट है, ठीक है, वार्म वेदर है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, अब अलग जगह पे जो क्वांटिटी ऑफ सनलाइट है वो क्या है, अलग जाती है, तो इसी तरीके से वेपराइजेशन यानी कि इवापोरेशन और कंडेंसेशन का भी जो कंपोजिशन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, किसी के इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, किसी में बहुत कम बारिश होती है। ठीक है, फैक्टर क्या है, क्लाइमेट है। ठीक है, क्लाइमेट इफेक्ट करता है कि कहाँ पर कितना ज़्यादा वेपराइजेशन होगा और कितना कंडेंसेशन होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ। अब जो रोटेशन ऑफ अर्थ है वो भी एयर को इफेक्ट करती है, क्योंकि वो कौन से पोल पे, किस महीने में कहाँ तक अर्थ किस पोल पे जाता है, सूर्य की तरफ कौन सा हिस्सा धरती का होगा, ये भी किस बात पे इफेक्ट डालता है हमारे एयर की मूवमेंट पे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, डिफरेंस इन टोपोग्राफी ओवर विच द विंड पासिस। ठीक है, डिफरेंस क्या है कि किस ग्राफ के ऊपर यानी कि किस इलाके के ऊपर से कितनी हवा चलनी है, वो भी क्या है, उसमें भी डिफरेंस होता है कि कौन सा इलाका कैसा, जैसे मैंने अभी आपको बताया डेंसिटी ऑफ विंड, डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, दैट्स द सेम टॉपिक वी आर टॉकिंग अबाउट द टोपोग्राफी ओवर द विच विंड पासिस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेन। ठीक है, एन एनॉर्मस कलेक्शन ऑफ टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर अपीयर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। दिस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वंस फॉर्म्ड स्लोली ग्रो बिगर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ मोर वाटर ड्रॉपलेट्स। व्हेन द ड्रॉपलेट्स बिकम बिग एंड हैवी दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। ठीक है, तो जो हमारी रेन है वो क्या है, वो टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वेपर की यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं, जो क्या बनाती है, जो आपस में मिलकर के क्या बनाती है, बादल बनाती है। ये क्या है, ये वेपोराइजेशन है। ठीक है, कभी हमारी धरती पे क्या है, कहीं पे पानी है या वाटर बॉडीज है, वहाँ से क्या होगा, सनलाइट के थ्रू वेपोराइजेशन होगा, छोटी छोटी टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है एटमोसफेयर में चल जाती है और वहाँ पर कंबाइन होकर ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी वो क्या हो जाते हैं, क्लाउड बनाते हैं। लेकिन जैसे ही वो क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है, उसमें नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो रेन की फॉर्म में वापस पे अर्थ पे आ जाती है, एंड दैट व्हाट्स यू कॉल्ड अ वाटर साइकिल। ठीक है, सबने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, सबको पता है एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर का पॉल्यूट हो जाना। ठीक है, ड्यू टू सम वेरिएबल कंपोनेंट्स। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकता है। ठीक है, स्मोक भी हो सकती है, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एयर पोल्यूशन इज द एडिशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स सच एज पर्टिकुलेट मैटर, गैसेज एंड वेपर्स इनटू द एटमॉस्फेयर हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमंस, एनिमल्स, वेजिटेशन एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, जो एयर पोल्यूशन वो क्या हो सकता है, वेरियस एयर पॉल्यूटेंट हो सकते हैं, मैटर हो सकता है, गैस हो सकती है, वेपर हो सकता है, जिसका सीधा असर किस पे पड़ता है, मनुष्य पे, जानवरों पे। ठीक है, वेजिटेशन यानी कि जितनी भी हमारे प्लांट्स हैं, ठीक है, ट्रीज हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इन सब पे किस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, एयर पॉल्यूटेंट्स का। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, कभी कभी एसिडिक भी हो जाते हैं। ठीक है, इनफैक्ट एयर पोल्यूटेंट आर ऑफ टू मेन टाइप्स एंड व्हाट इज दिस, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। ठीक है, ये नेचुरल भी हो सकते हैं यानी अपने आप, जैसे हम बोलते हैं दमकल यानी कि जंगल की आग लग जाना। ठीक है, और ये ह्यूमन मेड भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से धुआं निकल रहा है या फिर हम बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब किस में इंक्लूड हो जाते हैं, ये एयर पोल्यूशन में, यानी कि कहीं ना कहीं हम भी क्या कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन बींग्स, एंड आई थिंक एवरी वन इज एयर अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, बिकॉज वी आर समवेयर हम इसको झेल रहे हैं। ठीक है, हमने देखा है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, SPM causes asthma, allergic कोल्ड। ठीक है, जो SPM है वो क्या करता है, SPM क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं मैटर के। ठीक है, यानी जो किसी भी डायरेक्शन में घूम रहे हैं, उनकी वजह से क्या होता है, एलर्जिक कोल्ड हो जाता है। एलर्जिक कोल्ड मतलब हमें किसी चीज़ से एलर्जी है और उसकी वजह से ठंड लग जाना, एस्थमा हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ठीक है, पॉल्यूटेंट गैसेज कॉज इरीटेशन इन आइज एंड थ्रॉट। ठीक है, हमें आँखों में, गले में क्या हो सकती है, इरीटेशन हो सकती है। ठीक है, लंग्स में इरीटेशन हो सकती है। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, हमारी लंग्स को इंजर कर सकते हैं, लीवर को इंजर कर सकते हैं, किडनी को कर सकते हैं। ठीक है, इवन हमारे नर्वस सिस्टम को भी कर सकते हैं।
ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाइड्रोकार्बन वेपर्स नॉट ओनली डैमेज द इंटरनल ऑर्गन्स बट ऑल्सो कॉजेज कैंसर. अब देखिए, जितने भी हाइड्रोकार्बन वेपर्स यानी कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिली हुई है, वो सिर्फ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ही डैमेज नहीं करते हैं, बल्कि कभी कभी उससे क्या हो जाता है, हमें कैंसर भी हो सकता है. ठीक है, तो जो एयर पॉल्यूटेंट्स है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स, वेजिटेशन, ठीक है, जितनी भी चीज़ें अर्थ पे प्रेजेंट है, ठीक है, सबके लिए वो क्या हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है. ठीक है, अदर इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. ठीक है, अब एयर पोल्यूशन की वजह से और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि एसिड रेन. ठीक है, हमने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है एसिड रेन क्या होता है, जब सल्फर के पार्टिकल्स क्या कर जाते हैं, एटमोसफेयर में मिल जाते हैं, जैसे मैंने लिखा है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 रिएक्ट्स विद वाटर इन द एटमोसफेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है, जब पानी के साथ मिल जाती है तो वो एटमोसफेयर में क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है. एंड वी नो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ वेरी हार्मफुल फॉर वाटर. ठीक है, वो क्या है, जब पानी के साथ मिल जाएगा और सॉइल में चला जाएगा रेन के थ्रू, यानी कि जब बारिश पड़ेगी उसमें आ जाएगा, तो वो क्या करता है, सॉइल को भी इनफर्टाइल कर देता है. ठीक है, यानी कि वो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो रेन को क्या कर देता है, एसिडिक बना देता है, जिसकी वजह से बारिश पड़ती है वो भी क्या होती है, वो इनसेफ होती है, अनसेफ होती है वो सब चीज़ों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सॉइल के लिए. ठीक है, वो उसको क्या कर सकती है, इनफर्टाइल कर सकती है. ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एटमोसफेयर कीप्स द अर्थ वार्म. ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे एटमोसफेयर की, वो क्या करती है, हमारी धरती को गर्म रखने में मदद करती है, मच लाइक ए ग्लास वॉल, किसी कांच के वॉल की तरह. ठीक है, दैट कीप्स अ ग्रीन हाउस वार्म. ठीक है, जिसकी वजह से हमें कैसा इफेक्ट महसूस होता है, हमें पता ना ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वी ऑल नो वेरी वेल. ठीक है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट. और इस ग्लास वॉल को बनाने के लिए, अर्थ को वार्म करने के लिए जो इफेक्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेशन. ठीक है, द ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन. ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, एक एलोट्रॉप है. जैसे कि हमने कार्बन के भी एलोट्रॉप्स होते हैं, ऐसे ऑक्सीजन का भी एलोट्रॉप होता है. ठीक है, इट इज़ ट्राईएटॉमिक, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के क्या है, 3 एटम्स प्रेजेंट है, एज कम्पेयर टू डायएटॉमिक एलिमेंट ऑक्सीजन, यानी कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है ऑक्सीजन का, वो क्या होता है, O2 होता है, लेकिन ओजोन क्या होता है, O3 होता है. ठीक है, एक ब्लू गैस है जिसकी ऑडर यानी जिसकी स्मेल कैसी होती है, बहुत ही पंजेंट होती है. ठीक है, बहुत हाईली पॉइजनस है, यानी कि बहुत जहरीला है, टॉक्सिक हो सकता है हमारे लिए, अगर हम इसको इनहेल कर सकते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी टॉक्सिक हो सकता है. ठीक है, ये क्या है, हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि जितना कि एक ब्लैंकेट बनाने के लिए चाहिए, लेकिन भाई ड्यू टू सम रीजंस लाइक एसिड स्मोक. ठीक है, और हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या है, ओजोन लेयर डिप्लेट हो सकती है. ठीक है, तो द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज रिच इन ओजोन में बी कॉल्ड एज ओजोन लेयर. ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं. ठीक है, हमारे लिए एक शील्ड है, एक बचाव है, एक अम्ब्रेला की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन वो क्या है, वो कभी कभी डिप्लेट हो सकती है ड्यू टू सम रीजंस, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस क्या होती है. ठीक है, तो द ओजोन लेयर इज हाईली इंपॉर्टेंट एज इट फिल्टर्स आउट द हार्मफुल हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम सन. ठीक है, सबसे पहली बात जो हमें पहले से भी पता है, हमने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ी है, कि जो ओजोन लेयर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो यूवी रेज को यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या है, हमारी तरफ आने से डायरेक्टली रोकती है. और ये कहाँ से आती है, ये सन के थ्रू आती है. ठीक है, हमें पता है कि अगर यूवी रेज डायरेक्टली हमारे पास एंटर कर जाती है हमारे बॉडी पे, तो वो क्या कर सकती है, हमें ब्लड कैंसर कर सकती है, स्किन कैंसर कर सकती है. ठीक है, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है ओजोन लेयर की, कि हमें उस यूवी रेडिएशंस को फिल्टर करके हमारे पास तक पहुँचाती है, जिससे वो हमें डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचाती है. ठीक है, द हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्प्लिट ओजोन इनटू मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक ऑक्सीजन. ठीक है, ये क्या कर देती है, जो यूवी रेज है जब वो हमारी धरती की तरफ आती है, तो ओजोन लेयर क्या काम करती है, उसको डिप्लेट करने की जगह उसे क्या करती है, दो अलग अलग कंपोनेंट्स में बांट देती है, जैसे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और हीट. ठीक है, ओजोन रीफॉर्म्स एज एटॉमिक ऑक्सीजन इज़ हाईली रिएक्टिव. ठीक है, ओजोन क्या है, दोबारा से बन जाती है, क्योंकि जो एटॉमिक ऑक्सीजन होती है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है. ठीक है, तो वो दोबारा से क्या बना देती है, ओजोन की परत को बना देती है. ठीक है, इन 1985 फरमैन ETL फाउंड दैट ओजोन लेयर हैड थिंड आउट ओवर अंटार्कटिका. ठीक है, उन्होंने ये पाया कि जो अंटार्कटिका के ऊपर की जो ओजोन लेयर है वो क्या है, वो बहुत पतली हो चुकी है. ठीक है, इट वॉज कोल्ड एन ओजोन होल, और हम उसको क्या बोलते हैं, ओजोन
होल बोलते हैं, ठीक है। अभी कैसे होता है, जैसे कि अभी हमने बताया कि ओजोन के डिप्लेशन की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन ओजोन डिप्लेशन क्या है, हम इसको पढ़ेंगे। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस रिडक्शन इन द कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड ओजोन डिप्लेशन, ठीक है। कुछ ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, जिसकी वजह से जो ओजोन की लेयर है वो बहुत थिन होती जा रही है, पतली होती जा रही है, ठीक है। वो क्या करती है, उसकी कंसेंट्रेशन को रिड्यूस कर रही है, यानी कि जो उसकी डेंसिटी है उसको रिड्यूस करती जा रही है, ठीक है। थोड़े दिन में क्या हो जाएगा, जैसे कि अभी तो यूवी रेज को रोक रही है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगी तो वो अनेबल हो जाएगी ओजोन को O2 और हीट में तोड़ने के लिए। फिर क्या है, डायरेक्टली यूवी रेज क्या कर सकती है, अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर कर सकती है, हमारी स्किन पर आएगी तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन क्या क्या हो सकते हैं, स्किन कैंसर हो सकता है, डैमेज ऑफ आइज यानी कि हमारी आंखों की रोशनी, रेटिना, सेलरी मसल्स इसको डैमेज कर सकती है, ठीक है। डैमेज ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम है जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी को क्या है, एनर्जी मिलती है, यानी कि हम किसी भी बीमारी को लड़ने के लिए सक्षम होते हैं, वो क्या हो सकती है, वो डैमेज हो सकती है। डिक्रीज क्रॉप यील्ड्स, ठीक है, यूवी हार्मफुल रेडिएशंस होती है, अगर वो डायरेक्टली क्रॉप्स पे पड़ेगी तो वो क्या कर सकती है, क्रॉप्स को भी इनफर्टाइल कर सकती है, सॉइल को कर सकती है, तो जो क्रॉप यील्ड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी हमारी, ठीक है। और स्मॉग फॉर्मेशन हो सकता है, यानी कि एक ऐसी धुंधली परत बन सकती है जो क्या है, हमारे इनहेलेशन के लिए, हमारी ब्रीदिंग के लिए भी अच्छी नहीं होगी। तो आई होप आपको ये पार्ट वन समझ में आया होगा, बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुने, समझें, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।